अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने अपना 14 अगस्त का डे किस तरह से सेलिब्रेट किया है, और कुछ थोड़ा सा क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं। मैं अपनी मम्मी के घर गई थी क्योंकि छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं बच्चों की, तो मैंने सोचा कि लास्ट डे इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे थे जी बिरयानी, और साथ बना था जी पास्ता, और बच्चे भी खा रहे थे साथ, और ये खाई थी अलीज़ा, और अलीज़ा को भी ये बहुत पसंद है। ये छोटा सा क्लिप मैंने अपनी मम्मी के घर का बनाया है। अच्छा, उसके बाद फिर वापसी पे हम लोग आ गए थे मार्ट में, और यहाँ पे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन चल रही थी। 14 अगस्त का डे ही था आज, और यहाँ पे कुछ मैंने ग्रॉसरीज़ करनी थी वो मैंने की हैं, और यहाँ पे ये केक कटिंग की प्रिपरेशन कर रहे थे साथ साथ। और थोड़ा सा टाइम यहाँ पर हमें लग गया था, तो इतनी देर में उनकी केक कटिंग की जो सेलिब्रेशन थी वो भी शुरू हो गई थी। बड़ा अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ था मार्ट को, और यहाँ पे बस कुछ मैंने इनकी स्टेशनरी की ली है, बल्कि स्टेशनरी तो ज़्यादातर खुद ही कुछ ना कुछ ले लेती है, और कुछ ग्रॉसरीज़ मैंने लेनी थी, और कुछ अच्छे पैक्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जब अपनी ग्रॉसरीज शो करूँगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बड़े अच्छे से ना उन्होंने हलीम के अलग से पैक्स बनाए हुए हैं, हलीम की दालों के पैक्स बनाए हुए हैं, और साथ उन्होंने बनाए हुए हैं जी मिक्स दालों के भी, इस तरह से मूंग मसूर की दाल का मिक्स पैकेट बनाया हुआ है। और सबसे ज़्यादा आसानी जो है ना वो हलीम में हो जाती है, क्योंकि आपको इतना महंगा सब पैक उसका नहीं ख़रीदना पड़ता, और आप घर में आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कुछ ग्रॉसरीज़ लेनी थी, वो मैंने ले ली इतनी देर में, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी। तो जो चीज़ें चाहिए थी मैं फ़िलहाल दालों में बहुत ज़्यादा सोच समझ के ले रही थी, क्योंकि दालें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और अभी मौसम इस तरह का है सामान का कि आपके पास जो ऑलरेडी पड़ी होती हैं उसका भी ख़राब होने का डर होता है। तो इसलिए जो मुझे बहुत स्ट्रिक्टली जो चीज़ें चाहिए थी दालों में और मसालों में, मैंने वही ली थी। और उसके बाद जो घर की छोटी मोटी ग्रॉसरी आइटम्स और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे बस ले ली थी। और यहाँ पे मैंने देखे तली हुई प्याज, हर दफ़ा जब भी मैं जाती हूँ मेरी नज़र इस पर ज़रूर पड़ती है, और मैं हमेशा उसको छोड़ाती हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना अच्छा होगा, मेरा एक्सपीरियंस वैसे अच्छा नहीं रहा उसके साथ, तो इसलिए मैं उसको बाय नहीं करती हूँ। क्योंकि घर में जो हम बना लेते हैं, जो मैं बना के रखती हूँ, वो बहुत अच्छा सा मेरे पास तला हुआ होता है प्याज, और बिल्कुल ऑयली भी नहीं होता, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह मैंने लेने थे, और चिया सीड्स चाहिए थे मुझे, ये भी मैंने लिए हैं यहाँ से कुछ, और कुछ मसाला बॉक्सेस थे थोड़ी आसानी के लिए, वो भी मैंने यहाँ से ले लिए हैं। तो बस छोटी मोटी सी शॉपिंग मैंने यहाँ पे करनी थी, वो मैंने बस यहाँ से कर ली है। अच्छा, इस दफ़ा 14 अगस्त का डे जो था वो बहुत बहुत ज़्यादा सैडेस्ट था मेरे लिए, तो बहुत सैड था, और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी ऑफ अस ने जो के थोड़ी सी अवेयरनेस रखते हैं उनका सैड ही गुजरा होगा, क्योंकि कोई शक नहीं कि हमारा आज़ादी का दिन था, लेकिन हम लोग हकीकी मायनों में हम आज़ाद नहीं हैं, इवन कि हमें आज़ादी राय की आज़ादी भी नहीं है, हम इतना हक भी नहीं रखते हैं कि हम अपनी एक्सप्रेशंस को, हम अपनी सोच को, या हम जो सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उसको किसी के सामने रख सकें, और हमें जो है ना वो यरगमाल बनाया हुआ है हमारे अपनों ने ही। और बहुत दुख की बात है ये, और सारी दुनिया में ये बात आजकल हो रही है, हमारे मुल्क की जगह सही हो रही है, लेकिन हमारे अपनों ने ही हमें इस मकाम पे, इस स्टेज पे ला के खड़ा किया हुआ है। और इस मसले में हम में से मेजॉरिटी ऑफ अस, और आई थिंक सो ऑल ऑफ अस, वी कैन से एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ना हम लोग कुछ कर सकते हैं, बस हम अपनी तरफ से आज़ादी मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको, हम सजा रहे हैं अपने घरों को, हम शो ऑफ कर रहे हैं लोगों को, दुनिया को, कि हम आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं, हम दिल से दुखी हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम यरगमाल हैं, हम बहुत सारे जो हमारे अपने ही इदारे हैं हम उनके अंडर ग़ुलाम हैं। तो बहुत ज़्यादा सैड दिन था मेरे लिए, तो है बिल्कुल भी ये इंजॉय करने वाला दिन नहीं था। तो बस यहाँ पे मैं ऊपर आई थी अपना मार्ट का जो ऊपर स्टोर है, जो उसमें सेल मेला का भी है स्टोर, और उन्होंने ऊपर गारमेंट्स रखे हुए हैं, गारमेंट्स की आपको बहुत बहुत वसी वैरायटी मिल जाएगी, बच्चों की गारमेंट्स में आपको ऑल इन वन सब कुछ मिल जाएगा, और आपको लेडीज़ की गारमेंट्स मिल जाएंगे, लेडीज़ के जो अनस्टिच ब्रांड्स के ड्रेसेस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और स्टिच में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी।
तो ये यहाँ पे इन्होंने डेकोरेशन के आइटम्स रखे हुए थे, फ्लावर्स वगैरह। शॉपिंग इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, और जो मैंने ग्रॉसरीज वगैरह वहाँ से ली हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारा शेयर करूँगी। और ये सारा जो था ना, ये इनके ऊपर वाले सेक्शन में ये सब इस तरह से इन्होंने किया हुआ है, और सारा ग्रॉसरीज जो क्रॉकरी का सेक्शन है उन्होंने ऊपर किया हुआ है। यहाँ पे ये प्लेट्स वगैरह बड़ी अच्छी डिज़ाइन की भी सब आई थी, लेकिन मैंने नहीं ली क्योंकि मैं बहुत मिनिमल लेके चल रही थी अपनी शॉपिंग को। और ये सारी जो है ना, मैंने सेलिब्रेशंस यहाँ पे सारी डेकोरेशंस वगैरह कंप्लीट कर ली थी। इस तरह से ये दो केक जो थे वो इस तरह से उन्होंने डेकोरेट किए हुए थे, और ये केक्स थे। और यहाँ पे अपना उनके सारे के सारे जो डेकोरेशंस थी कंप्लीट हो चुकी थी। वैसे अब केक कटिंग सेरेमनी होने वाली थी और बाई चांस हम लोग भी वहीं पर थे, तो यहाँ पर देखिए अलीज़ा भी, अलीज़ा वैसे बहुत इन्जॉय करती है यहाँ के। और यहाँ पर जी अलीज़ा को इन्वाइट किया गया है, और अलीज़ा जो है मैडम यहाँ पर केक कट करने लगी हैं। बस यहाँ पे उन्होंने केक कट किया था और उसके बाद वो उसको एंजॉय कर रही थी। तो यहीं पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को भी, एंड उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।